हेलो दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल कमीज़ की ड्राफ्टिंग बताने जा रही हूँ। इसका जो मैंने नाप लिया है वो स्टैंडर्ड साइज़ का नाप लिया है, उसके हिसाब से ही मैं आज आपको ये ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नाप बता दूँ। लंबाई है 40, तीरा 14, छाती 36, कमर 30, हिप 40, ये हमारा नाप है। और इसी नाप के अनुसार मैं आपको ये ड्राफ्टिंग मैंने बना रखी है। इसको मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने तीरा लिया, तीरा हमारा 14 है, 14 का आधा ये मैंने 7 इंच लिया है। उसके बाद आर्म होल, इसको हम मुड्ढा भी बोलते हैं और आर्म होल भी बोलते हैं। ये जो आर्म होल की लंबाई है वो स्टैंडर्ड साइज में छाती का चौथा हिस्सा लेते हैं। जैसे 36 छाती है तो हमारा चौथा हिस्सा इसका 9 इंच आएगा। 9 इंच में से हमें 1.5 इंच घटाना है और ये जो लंबाई है ये हमारी 7.5 इंच आएगी। 36 में चौथा हिस्सा लेंगे, उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये 7.5 इंच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये हमारी कमर की लंबाई है, कमर की जो लंबाई है वो 14-15 इस हिसाब से ये कमर की लंबाई आती है। तो मैंने यहाँ इसको 14 इंच पर रखा है और 21 इंच पे मैंने हिप की लाइन लगाई है। 7.5, 14 और 21 इस हिसाब से मैंने इसकी निशान लगा दिए हैं, आप भी इसी तरह से लगाना। अब उसके बाद छाती, छाती जितनी भी हमारी चेस्ट है 36 छाती है, उसमें हम 3 इंच जमा करेंगे लूज के लिए, उसमें ढीलापन छोड़ने के लिए 3 इंच मैंने इसमें प्लस किया तो 39 इंच हमारा आ गया। इसका चौथा हिस्सा लेना है, 39/4 इसका चौथा हिस्सा लेना है, वो हमारा 10.25 आया। मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10.25 की चौड़ाई लगा दी। फिर हमारी कमर है, कमर में भी मैंने 30 जमा 3 इंच मैंने लूजनेस रखी है। 33 का चौथा हिस्सा 8.25 इंच आएगा, मैंने 8.25 इंच यहाँ से यहाँ तक निशान लगा दिया है। अब हिप भी मैंने ऐसे ही ली है, 40 हिप है तो उसमें मैंने 3 इंच लूजनेस दी है। लूजनेस इसलिए दी जाती है कि कपड़ा आराम से निकालने में और पहनने में आसानी रहे। तो 43 इंच का जो चौथा हिस्सा है वो मेरा यहाँ 11.5 इंच है, मैंने यहाँ से यहाँ तक 11.5 इंच लगा दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड नाप का बताया है। अब क्या करना है, हमने गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई हम लेते हैं छाती का 1/12, यानी कि मेरा 3 इंच आया। लेकिन वो आपकी इच्छा पर के अनुसार है कि आप इसकी चौड़ाई कितनी लेना चाहते हो। आप ये चौड़ाई 5 भी कर सकते हो, 5.5 भी ब्रॉडनेस ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। ये चौड़ाई आपकी इच्छा पर है कि आपको कितना चौड़ा गला चाहिए। अब लंबाई, मैंने गले की लंबाई 6 इंच रखी है। ये मेरा फ्रंट भाग है, मैं सारा जो मैंने अभी तक ये आपको बताया मैं फ्रंट की बात कर रही हूँ। अगला हिस्सा ये मैंने 6 इंच लिया, यहाँ से भी मैंने 3 इंच लिया, यहाँ से भी 3 इंच लेकर के और मैंने इसकी ये गोलाई इस प्रकार से कर दी। अगर आप गोलाई सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करना, यहाँ से 0.5 इंच की एक तिरछी लाइन लगा देना और फिर इसको इस तरह से मिलाते हुए आप गोलाई दे सकते हो। अब आप यहाँ आ जाए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कमीज़ के अंदर मेन होती है मुड्ढे की गोलाई। अगर आपकी ये गोलाई ठीक आ जाएगी तो आपकी कमीज़ परफेक्ट बन जाएगी। इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ,
वैसे ही आप बना करके देखना, बिल्कुल आपका कमीज़ बहुत ही अच्छी फिटिंग आ जाएगी। ऊपर से मैंने आधा इंच कंधे को डाउन किया है, ये पूरी लंबाई यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक इसके तीन हिस्से कर लो, ये सवा दो और ढाई के बीच में आ जाएगी। ये जो है आपको क्या करना है, आधा इंच अंदर लेना है। अंदर लेने के बाद यहाँ से इसको तिरछा मिलाना है, बिल्कुल तिरछा, इस तरह से तिरछा मिलाने के बाद अब ये ध्यान से देखना, यहाँ से इसको थोड़ा सा सीधा लेना, सीधा लेते हुए फिर थोड़ी 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 गोलाई करते हुए इसको यहाँ मिला देना है। ये देखिए, ये आपकी आगे के भाग की गोलाई है, ये आपकी आगे के भाग की गोलाई हो गई है। अब क्या करना है, मैं बैक जो है इसका जो पिछला हिस्सा है वो यहीं से इसकी गोलाई करती, ये यहाँ से जो है, यहाँ से ये आधा इंच का एक निशान लगा लेना, मैं अंदाजे से लगाया है ये, और आप इसको इस तरह से मिलाते हुए ये आपकी बैक की गोलाई हो जाएगी, बैक की पिछले हिस्से की ये गोलाई हो जाएगी। ये जो मैंने निशान आपको लगवाए थे ये कमर का, ये यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये आपकी सिलाई का निशान है, आपकी फिटिंग का निशान है, आप यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और ये जो है ये आपका मोड़ने का है, ये मोड़ने का है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने लिया है, ये दो दो इंच डेढ़ डेढ़ इंच जो भी आप जितना लेना चाहते हो ले लो, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने दो लिया है, दो और दो, ये भी मैंने दो इंच लिया है। ये आपका दबाव है या इसको मार्जिन कह सकते हैं, यहाँ से आपकी कटिंग हो जाएगी, ये आपके कपड़े की इस तरह से कटिंग हो जाएगी। दबाव हम इसलिए रखते हैं कि कभी भी लूज़ करना हो कमीज़, जैसे मान लो टाइट हो गया तो इसको ढीला करना है, तो इसलिए हम ये मार्जिन रखते हैं। ये आपकी जो है कमीज़ की ड्राफ्टिंग बन करके तैयार हो गई है। इसमें जो है बैक का गला मैं पीछे से 4 इंच रखूँगी, तो ये मैंने 4 इंच लेकर के ये बैक का भी मैंने निशान लगा दिया है, और इसकी भी हम गोलाई कर लेंगे, ये मैंने 4 इंच का। अब मैं आपको एक मेन बात बताती हूँ कि ये जो मैंने ड्राफ्ट बनाया है ये बिल्कुल साधारण नाप से और साधारण मैंने इसकी ड्राफ्टिंग की है, इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। जब हम चेंज जब करेंगे इसी में, ड्राफ्टिंग हमने जब भी हम कोई भी कपड़ा बनाएंगे ड्राफ्टिंग हमने बिल्कुल ऐसे ही लेनी है, इसमें हम इसी में हमें जो चेंज करना है वो हम इसी में चेंज करेंगे। डीप नेक लेंगे तो तीरा छोटा कर देंगे, इस प्रकार से जो है मैं आगे बताऊंगी कि किस प्रकार से डीप नेक लेंगे, किस प्रकार से शोल्डर को छोटा करेंगे। अब ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल ड्राफ्टिंग बताई है, और आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।